हेलो दोस्तों, आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, रबा अप्पी रेसिपी। चले बनाने शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है और मैंने यहाँ पर हाफ कप दही लिया है। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से। दही थोड़ी सी खट्टी है, मैंने कल शाम को लेके रखी हुई है और अभी सुबह निकाल के थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए बाहर रख दिया तो थोड़ी सी खट्टी हो गई है। अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे, सूजी को फूलने देंगे, सूजी थोड़ी सी पानी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। बटर को ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देनी है इस तरह से। ये देखिए इतनी सॉफ्ट बन गया है। अभी हम इसका ऊपर में तड़का लगाएंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे। और अभी हम यहाँ पर एक चम्मच तेल ले लेंगे कुकिंग ऑयल, और मैंने यहाँ पर एक चम्मच काली राय डाली हुई है, और मेरे यहाँ पर अपने पौधे से लिया है कड़ी पत्ता फ्रेश है, इसको भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसका ऊपर में डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे 15-20 मिनट के लिए। इसको मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के रेस्ट करने देंगे, थोड़ी सी फूल जाएंगे। 15 मिनट हो गई है, एक बार देख लेते हैं। देखिए फूल के इतने से ऊपर आ गए। अभी हम यहाँ पर मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर हाफ चम्मच, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी सी भी और ऐड कर लेंगे। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक प्याज को चॉप करके लिया है और 2 हरी मिर्च चॉप करके लिया है और खूब सारा धनिया पत्ता और गाजर को भी ग्रेट करके लिया है। आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल वो भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम। और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इतने कलरफुल दिख रहे, बहुत अच्छे लग रहे देखने में। अभी हम यहाँ पर डालेंगे मीठा सोडा, थोड़ी सी डाल देंगे इस तरह से। आपके पास सोडा नहीं है तो फिर इनो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए बटर इतने गाढ़ा होना चाहिए, इससे पतले नहीं। अभी मैंने यहाँ पर अप्पी बनाने के लिए बर्तन रखी हुई है, तेल से थोड़े से ब्रश कर देंगे इस तरह से, तेल लगा के, नहीं तो चिपक जाएंगे। अच्छे से ब्रश कर देंगे इस तरह से, लो फ्लेम कर देंगे। अभी लो फ्लेम करके हमें गर्म होने देंगे। उसके बाद एक एक बॉल करके डालेंगे, एक चम्मच एक चम्मच। ये देखिए इस तरह से डाल देंगे, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से पूरा बिखर जाएंगे, तो एक एक चम्मच डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी ढक्कन लगा देंगे और 5-7 मिनट तक हमें लो फ्लेम करके पकाएंगे। और एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखिए फूल के इतने अच्छे अच्छे कलर आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से फिर एक बार पलटा देंगे, नीचे का ऊपर करके, ऊपर का नीचे करके। ये देखिए इस तरह से, देखिए कलर इतने अच्छे आ रहे हैं और इतने क्रंची बनी हुई है ऊपर, और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। स्पेशली हरी चटनी के साथ में बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को खिला रहे तो आप टमेटो केचप के साथ भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ता टाइम में हो या शाम का चाय के टाइम में हो, इस तरह से बना के खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी एक बार बना के खा के देखिएगा, अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो भी नई आई हुई है प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट रख दिया है। अभी देखती हूँ मैं एक बार चेक करके, दोनों साइड से अच्छे से पक गई है। ये देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, अभी से मुँह में पानी आ रहे, खाने का मन हो रही है। अभी निकाल देंगे इसको, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार हो गया आपका। एक बार ज़रूर बना के खाएगा, आपको अच्छे लगे तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से नई नई वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए आप प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।